उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बॉडी बिल्डिंग के एसोसिएशन 15 जुलाई की 7:30 बजे से संजय गांधी कम्युनिटी हॉल बरेली में बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा बरेली श्री बार रोयलखंड क्लासिक चैंपियनशिप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वसीम भाई बोलेंगे। मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, प्रेसिडेंट बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एफिलेटेड है यूपी BBFA से, साथ ही हमारा नेशनल एफिलेशन है, इंटरनेशनल एफिलेशन है। हम लोग बरेली में आगामी 15 जुलाई को संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में शाम को लगभग यूँ समझिए अपराह्न 3 बजे से बरेली श्री यानी मिस्टर बरेली बॉडी बिल्डिंग कम्पटिशन करा रहे हैं, साथ ही मैन फिजिक ऑफ बरेली करा रहे हैं। और हम सब लोग, हमारे जितनी भी एसोसिएशन के साथी हैं, हम सबका निर्णय हुआ है कि हम लोग उसी दिन चैंपियंस ऑफ रोहेलखंड, चैंपियन ऑफ चैंपियन रोहेलखंड भी एक क्लासिक प्रतियोगिता करा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की, जिसमें बरेली, बदायूं, सहजानपुर, पीलीभीत के अलावा मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, चंदौसी, ये जो हमारा पुराना रोहेलखंड था, उस सभी के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि लगभग हमारे 150 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। मैंने बताया आपसे, बरेली का पूरा रीजन है, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, सहजानपुर, और इधर पूरा मुरादाबाद रीजन के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी इसमें भाग लेंगे। और क्योंकि जो हमारी पूर्व निर्धारित प्रतियोगिता थी 15 तारीख को मिस्टर यूपी और मिस यूपी की, उसको हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू दैट कि अभी सावन का कांवर यात्रा शुरू हो रही है और उसकी वजह से रूट डाइवर्जन हो रहे हैं, इसलिए हमने उसको चेंज करके 24 सितंबर 2023 को हम लोग बरेली में ही उत्तर प्रदेश श्री और मिस यूपी, ये दोनों प्रतियोगिताएं हम लोग तब कराएंगे। फिलहाल में हमारी 15 जुलाई को मिस्टर बरेली बॉडी बिल्डिंग कम्पटिशन प्लस मिस्टर बरेली के साथ में हम लोग मैन फिजिक बरेली करा रहे हैं, रोहेलखंड की क्लासिक चैंपियंस ऑफ रोहेलखंड करा रहे हैं, और साथ ही डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस की एक नई प्रतियोगिता को हमने इसमें शामिल किया है, जो सुबह प्रातः 10 बजे से होगी। यानी डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस की जो प्रतियोगिता है वो सुबह 10 बजे से और 3 बजे तक होगी, और 3 बजे से बरेली का जो अन्य दूसरा कंपटीशन है मिस्टर बरेली का और रोहेलखंड का, वो 3 बजे से प्रारंभ होगा, और 7 बजे से रोहेलखंड की चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित की जाएगी। और साथ ही इसमें हम सब लोग अपने चीफ पैटर्न डॉक्टर उमेश गौतम जी, जो हमारे चीफ पैटर्न भी हमारी बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के, उनको हम लोग शाने बरेली का एक टाइटल उनको दे करके उनको हमारी एसोसिएशन सम्मानित कर रही है। हम तमाम अपने पुराने बॉडी बिल्डर्स खिलाड़ियों को भी सम्मानित कर रहे हैं, कुछ समाज से भी हैं, कुछ धर्म के हमारे धर्म गुरु हैं, कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अन्य क्षेत्र से जो भी हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी हम लोग इस मंच से सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। और इस सब प्रतियोगिता के आयोजन में हमारे महफूज अली, मिस्टर महफूज अली हमारे आगरा से हमारी बॉडी बिल्डिंग के जो प्रेसिडेंट हैं यूपी से, वो इसमें मौजूद रहेंगे, और साथ में डॉक्टर अनीस बेग, अनीस अहमद जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं नोएडा से, वो भी हमारे इस प्रतियोगिता में शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर के संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में 1000 की संख्या का वो हॉल है, तो उस हॉल में मैं समझता हूँ कि बरेली के तमाम वो जो खेल प्रेमी हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग से प्यार करने वाले लोग हैं, वो तभी सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस प्रतियोगिता में देखें और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड पर महात्मा ज्योति फुले यूनिवर्सिटी के निकट बनी मजार को हटाने गई टीम तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया और रोड जाम कर दिया। इसके बाद अधिकारियों का कहना है कि वह मजार को हटाने नहीं गए थे। अगले सोमवार को कांवरियों का जत्था निकलेगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को चेक करने गए थे। दरअसल पीलीभीत बाईपास रोड पर यूनिवर्सिटी के निकट मदीना शाह की मजार है, जो कि काफ़ी पुरानी है। अधिकारियों के मजार के पास पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। हाँ बताओ भाई साहब, क्या मामला है आज मजार? भैया जैसा था, अभी आप खुद मौजूद थे वहाँ पर, वो दरगाह जो है उसे हटाने की बात हो रही थी। यहाँ के अधिकारियों से बात हुई, हमने उनके सामने बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट रखा कि 1921 का नया बरेली शहर कायम हुआ है
उस वक्त का नक्शा निकाल लें, 1921 के नक्शे से पहले जो भी धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद दरगाहें मौजूद थी वो यथावत रहेंगी, और उसके बाद जो भी अतिक्रमण हुआ है, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, दरगाह का हो, और अवैध श्रेणी में आता है अतिक्रमण की, उसे हटा दिया जाए, हम लोग उसके साथ सहयोग करें। प्रशासन ने क्या आदेश करा? उन्होंने कह दिया सही है, 1.5-2 महीने बाद चल के साथ में बात करेंगे। नदीम खान उनके अरे ये सैयद साहब की दरगाह है और कम से कम 300 साल पुरानी है। प्रशासन ने बहुत वाजिब तौर पर कह दिया अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और फेस्टिवल निपट कर 2-1.5 महीने बाद इसमें पुनः तरीके से बैठेंगे। और डॉक्टर साहब ने जो नज़ीर पेश करी है कि 1921 का नक्शे में देख लिया जाएगा, अगर कहीं पर 1900 नक्शे में लगता है किसी प्रशासन को कि अतिक्रमण है तो हम उसके लिए सहयोग के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं है तो उसके लिए हमारा स्पष्ट रुख है कि किसी भी तरीके से एक ईंट भी नहीं छुई जाएगी। आज प्रशासन ने क्या करा? नहीं, प्रशासन ने आज सैयद साहब के पास खबर भिजवाई और ये कहा कि हमें हटाना है, इसी के अनुरूप हटाने के लिए बात करी थी। अब उनका कहना है यहाँ पर जब हम आए, कितनी बार पुरानी होगी? ये 300 साल पुरानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग चूँकि अभी मुहर्रम और कांवड़ का आगामी जो त्यौहार है, कल से सावन का महीना शुरू हुआ है, तो उससे संबंधित पीस कमेटी की बैठक जो है हम लोग हर थाने हर चौकी पर कर रहे हैं। दोनों समुदायों के लोगों के साथ में हम लोग बैठ रहे हैं, एक बातचीत के साथ एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे प्रेम से उत्साह से इसको संपन्न कराया जा सके, और इन सब लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। तो हम लोग हर समुदाय के साथ में बातचीत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लबरेली में लाउड स्पीकर पर हो रही नवाज की तेज आवाज़ का किया विरोध। हिंदू संगठनों ने शहर में चल रहे हिंदू संगठन आज़ाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर, राष्ट्रीय हनुमान दल के मंडल अध्यक्ष राज शर्मा, महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश राठौर, शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख दीपक पाठक के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान आज़ाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर ने बताया, कुछ दिन पूर्व एम खान हॉस्पिटल द्वारा खतना प्रकरण में हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना होना। आज यहाँ पे हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी है। यहाँ पे मैं अमित राठौर आज़ाद हिंदू सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ हमारे भाई दीपा पाठक जी शिवसेना सिंधे गुट से बैठे हुए हैं, जिला प्रमुख वीर महाकाल समिति से सुरेश जी एवं हनुमान दल से राज शर्मा हैं। और यहाँ हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है कि अभी कुछ समय पहले एम खान हॉस्पिटल में एक हिंदू बच्चे का खतना कर दिया गया था, जिस पर अभी शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा उस हॉस्पिटल को सील करके डॉक्टर की गिरफ्तारी करने के आदेश पारित हुए थे, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि एम खान हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील करके बंद किया जाए, एवं हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने पर उस डॉक्टर के ऊपर गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाए। दूसरी चीज़, जो हॉस्पिटल है उसकी जो वेस्टेज है वो कहाँ नष्ट कर रहे हैं उसकी भी जांच की जाए, और उस हॉस्पिटल के पास में अभी समस्त एनओसियां मौजूद नहीं है जो प्रत्येक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, उस पर ही शासन प्रशासन कार्रवाई कर ध्यान दें। देखिए, आज हम समस्त हिंदू संगठन ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो हमारे कुछ मुख्यता बिंदु हैं। नंबर एक प्रकरण जैसा अमित जी ने बताया कि एम खान हॉस्पिटल, उसी में दूसरा प्रकरण है कि शहर में अवैध रूप से रात को 4-5 जगह चाय के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व करीब हर जगह 100-150 की संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। जब हमारे शहर के नियम के अनुसार सुबह मार्केट खुलती है, रात को बंद होती है, रात को यदि आपको चाय पीनी है तो अपने घरों में पीजिए। इस तरीके के अवैध रूप से जो 200-200 लड़के एक एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसको संज्ञान मिले, क्योंकि किसी दिन बड़ी घटना होगी तब शासन जागेगा। उससे पहले हम शासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि अवैध रूप से चल रहे इन सारे अड्डों को बंद किया जाए। दूसरा मामला, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित हुआ था कि मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं। उसको देखते हुए माननीय न्यायालय का जो आदेश आया, उसके आदेश अनुसार मस्जिदों में तो
अधिकतर सब जगह लाउड स्पीकर बंद हो, मंदिरों में बंद हो गए, बट मस्जिदों में अभी भी शहर की कई एक मस्जिद जिनके हमारे पास वीडियो मौजूद हैं कि सुबह शाम अजान उस पर हो रही है। तो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसको शासन प्रशासन अमल क्यों नहीं करा रहा, या ये सारे शासन आदेश एक मतलब विशेष समुदाय के लिए मान्य है और दूसरे संप्रदाय के लिए नहीं? अगर हम भारतीय हैं और भारत में रहते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार शासन का जो आदेश है वो सभी को मानना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि शासन इसको संज्ञान में लेकर समान रूप से सब पर जो है इस कानून को लागू कराए और जो भी नमाज लाउड स्पीकर पर हो रही है उनको बंद किया जाए, वरना हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे फिर उसमें क्या करना है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जिला एवं महानगर अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद यामीन खान ने कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर मणिपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमबी मुरलीधरन के फैसले को गलत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय से उनके इस फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मोहम्मद यामीन खान, क्या मामला है? ये जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है इसका मुख्य कारण है जो मैथी समाज है वहाँ पे, उससे जो अनुसूचित जनजाति में जो ऐड किया है उसके विरोध में हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए ज्ञापन देने आए हैं। जो मैथी समाज को वहाँ पे SC ST में जो शामिल किया है उसके विरोध में ये ज्ञापन है हमारा, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय।